शारजा शेख को लाया गया कोर्ट, बशीरहाट कोर्ट में शारजा की पेशी। ये बड़ी जानकारी इस वजह के शारजा शेख को कोर्ट में लाया गया। 55 दिन से लगातार फरार चलने के बाद आखिरकार हुई गिरफ्तारी और शारजा शेख की गिरफ्तारी के बाद अब किया गया कोर्ट में पेश। शारजा शेख को कोर्ट लाया गया। ये पेशी के दौरान की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। बशीरहाट कोर्ट में शारजा की पेशी हुई। यह शारजा की पेशी के दौरान की तस्वीरें जब उसे कोर्ट में लाया गया, शारजा शेख को लाया गया कोर्ट में। यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बशीरहाट कोर्ट में किया गया पेश। शारजा शेख को बशीरहाट कोर्ट में लाया गया। शारजा शेख को 55 दिनों से लगातार फरार चल रहा था। आप यहां देखिए, शेख और शारजा शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुरुआत होती है 5 जनवरी से, जब ईडी की टीम पर हमला बोलते हैं इसी के अपने लोग, और फिर वीडियो सामने आते हैं शारजा शेख के, जिसमें इसने लोगों को उकसाया। और अब देखिए, उसके बाद फिर संदेश खाली का मामला, और इस तरीके से लगातार शारजा शेख लगातार रडार पर था, और आखिरकार शारजा शेख की गिरफ्तारी। अकूत संपत्ति, गुंडों की सेना, खौफ का साम्राज्य, बांग्लादेश से आया, ईंट भट्टे पर मजदूरी की और उसके बाद ने बन गया ताकतवर। शारजा शेख कैसे बन गया संदेश खाली का डॉन? देखिए, अब लगातार जांच पड़ताल होगी हर पहलू पर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शारजा शेख को 55 दिनों की फरारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 5 जनवरी को शारजा और उसके गुर्गों ने कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। ईडी की टीम राशन घोटाले के सिलसिले में शारजा के ठिकानों पर तलाशी लेने के लिए गई थी। राशन घोटाला मामले में भी आरोपी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शारजा शेख को गिरफ्तार कर लिया। शारजा 55 दिनों से चल रहा था फरार। उत्तर 24 परगना जिला जो कि लगातार चर्चाओं में आया उस दिन के बाद से, और इसी के मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया, उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सुन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5-स्टार विजिल भी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है। मैं उसका बात का कोई उत्तर नहीं देता। दो दिन के अंदर अरेस्ट हो चुका है, ये तो कोइंसिडेंस है। दो दिन के अंदर शेख शारजा को अरेस्ट? नहीं, कोइंसिडेंट का कोई नहीं है। पूरा जनता का रोष, जुडिशियरी का रोक और भाजपा की लड़ाई और मीडिया की लगातार कोशिश और खास करके संदेश काली का मातृशक्ति देवी शक्ति का लड़ाई, इसका सब मिला के मजबूरी से काम किया। ये कोई कोइंसिडेंट भी नहीं है, मजबूरी में और विद द एश्योरेंस। विपक्षों की तरफ से कहा गया कि ये मजबूरी थी, जनता का रोष था, हम लोगों का प्रदर्शन था, जुडिशरी का प्रेशर था, प्लस मीडिया कर्मी लगातार जो कोशिशें कर रहे थे उन सब के कारण से आखिरकार शारजा शेख की गिरफ्तारी हुई है। शारजा शेख को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी। तस्वीरें आपने देखी। रंजीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त सुबह से, मेरे रंजीत ने बताया था कि आज कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में पेशी हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है अभी कोर्ट की पेशी को लेकर रंजीत? देखिए, शारजा शेख को कोर्ट में लाया गया है और अब उसे पेश माने जज के सामने लाया जाएगा। उसके बाद ये पुलिस के द्वारा उनसे जज ये अपील की जाएगी कि इसे रिमांड पर भेजा जाए ताकि उससे पूछताछ कर और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके और उस पर